अलंकार के प्रयोग के मानवी करण का कि चंद्रमा की मुख से दीप्य तो प्रकाशित हो रहा है, मृदु माने मुलायम, कर्तन माने हथेली है, उसकी गंगा माँ की हथेली जो है प्रकाश से दीप्य प्रकाशित हो रही हो, लहरें और पर कोमल कुंतल, उसके लहरें और पर लहरें जो आ रही हैं कोमल आ रही हैं, और कुंतल माने बाल, जैसे बाल सुंदर अच्छे लगते हैं उस तरह से बालों की तरह जो कोमल है उस तरह से लहरें उसके अच्छे स्थल पर गंगा माँ की आ रही हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर, जो नौका विहार कर रहे हैं जो गंगा नदी पर, मानो उसके गोरे अंग हैं, उनसे गोरे अंगों को चलने से सिहरन हो रही है, सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लहराता तार तरल सुंदर, लहराता माने लहर रहा है, लहरा रहा है, तार तरल माने तारों के समान उज्ज्वल सुंदर जो है उनका नीलांबर हो रहा है। आगे स्पष्ट होगा चंचल अंचल स नीलांबर, जो चंचल माने तेज चल रहा अंचल में, वो नीलांबर माने नीले रंग का है। साड़ी सी सिकुड़, कहीं पानी है कहीं नहीं है, कहीं पहाड़ दिखाई दे रहे बीच बीच, जो मानो उनकी साड़ी थी वो सिकुड़ गई है, जिस सी जिस पर सिकुड़न से प्रतीत हो रहा। शशि की रेशमी विभा सेवर, शशि माने चंद्रमा की रेशमी रेशम साड़ी जैसी भरी, विभा माने प्रकाश से भरी हुई है उनकी, सिमटी है वर्तुल, वर्तुल में गोला का टेढ़ी है, कहते वो जो गंगा माँ के जो है सिमट गई, वर्तुल माने गोलाकार में टेढ़ी है, मृदुल लहर, और जो लहर जो है मुलायम का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन मानवीकरण अलंकार के द्वारा। सैकत सैया, जो बालू है वो गंगा माँ की सैया है, और कैसी है दुग्ध धवल, क्योंकि जो रेत होती है सफ़ेद होती है, उसकी तुलना की है कि दुग्ध धवे, दुग्ध माने सफ़ेद है, दुग्ध माने दूध की तरह, धवल माने सफ़ेद है, जो गंगा मैया लेटी हुई है। तनुअंगी गंगा, गंगा तनुअंगी माने पतली दुबली है, ऐसा प्रतीत हो गर्मी है इसलिए पानी कम होने के कारण जो है गंगा पतली दुबली है। ग्रीष्म विरल, ग्रीष्म माने गर्मी ऋतु है, विरल विरल बहुत दूर दूर है, लेटी है शांत, क्योंकि गर्मी है वर्षा हुई नहीं है तो गंगा माँ शांत पूर्वक लेटी है। क्लांत निश्चल, क्लांत माने जैसे थकी हुई है, और निश्चल क्लांत माने शिथिल हो गई है, और निश्चल प्रवाहहीन हो गई है, प्रवाह हो गया है। तापस बाला, ऐसा उनका प्रयोग किया मानो तपस्वी बाला की तरह है, तापस तपस्वी बाला की तरह गंगा है, निर्मल सफेद साफ स्वच्छ है। शशि मुख से दीपिक मृदुतुल, शशि माने चंद्रमा की मुख की तरह, एक अलंकार के प्रयोग किया मानवीकरण का कि चंद्रमा की मुख से दीप्य तो माने प्रकाशित हो रहा है, मृदु माने मुलायम, कर्तन माने हथेली है, उसकी गंगा माँ की हथेली जो है प्रकाश से दीप्य प्रकाशित हो रही है। लहरें और पर कोमल कुंतल, उसकी लहरें और पर लहरें जो आ रही हैं कोमल आ रही हैं, और कुंतल माने बाल, जैसे बाल सुंदर अच्छे लगते हैं उस तरह से बालों की तरह जो कोमल है उस तरह से लहरें उसके अच्छे स्थल पर गंगा माँ की आ रही है। गोरे अंगों पर सिहर सिहर, जो नौका विहार कर रहे हैं जो गंगा नदी पर, मानो उसके गोरे अंग हैं, उनसे गोरे अंगों को चलने से सिहरन हो रही है, सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लहराता तार तरल सुंदर, लहराता माने लहर रहा है, लहरा रहा है, तार तरल माने तारों के समान उज्ज्वल सुंदर जो है उनका नीलांबर हो रहा है। आगे स्पष्ट होगा चंचल अंचल स नीलांबर, जो चंचल माने तेज चल रहा अंचल में, वो नीलांबर माने नीले रंग का है। साड़ी सी सिकुड़, कहीं पानी है कहीं नहीं है, कहीं पहाड़ दिखाई दे रहे बीच बीच, जो मानो उनकी साड़ी थी वो सिकुड़ गई है, जिस सी जिस पर सिकुड़न से प्रतीत हो रहा। शशि की रेशमी विभा सेवर, शशि माने चंद्रमा की रेशमी रेशम साड़ी जैसी भरी, विभा माने प्रकाश से भरी हुई है उनकी, सिमटी है वर्तुल, वर्तुल में गोला का टेढ़ी है, कहते वो जो गंगा माँ के जो है सिमट गई, वर्तुल माने गोलाकार में टेढ़ी है, मृदुल लहर, और जो लहर जो है मुलायम है।